के पठान पटाखे भी लाएगा, कभी यूँ कह रहे कि ये हवाओं का झोंका है, क्या इनके औकात है कि शाहरुख खान का कुछ बिगाड़ लें। तो ऐसी ऐसी बातें, ये क्या घमंड नहीं है, ईगो में डूबे हुए नहीं है ये शाहरुख खान भाई? सीधी सी बात है, ईगो की क्या बात है, कोई उनका क्या कर सकता है? आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोग बनाए भाई, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो शाहरुख खान को बनाया है, शाहरुख खान को देश ने बनाया है। बिल्कुल नहीं, विरोध प्रदर्शन करने वाले, अरे विरोध प्रदर्शन करने वाला तो संत परमहंस जैसा बाबा है, उसने शाहरुख खान को बनाया। वो तो ऐसे उठपटांग बयान दे रहा, अभी कुछ दिन पहले बोल रहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अबे कोनू हलवा फलुआ है क्या कि एक एक चम्मच सब खा लेंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अब प्रधानमंत्री को तो तुमने ऐसे समझ लिया कि रेबड़ी खाई और थूक दिखाकर। आप नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री? अरे मैं क्यों बन भैया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन चाहते, ख्वाहिश तो होगी, ख्वाहिश तो होगी भैया प्रधानमंत्री पद के लिए। मैं आज एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, अभी तो नहीं, ख्वाहिश तो होगी, बनना चाहते कि नहीं? मोहित शर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बनेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक चीज बताऊंगी, आपको इस देश के अंदर एक बात आपको पता है, इस देश के अंदर एक ऐसा बच्चा था जिसने मैच 5 साल की उम्र में क्या सोच थी उसकी देश को लेकर, पता है आपको? भगत सिंह सब तो आपको पता है, बताइए तो आप बता दीजिए, आप बताइए भगत सिंह के बारे में, बताइए ना क्या पता है? बताइए ना, आप मेरे पता कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ। भगत सिंह एक बार, भगत सिंह के जो दादाजी थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, भगत सिंह के पिताजी भी और भगत सिंह के दोनों चाचा भी, ठीक है ना? अब होता क्या, एक बार भगत सिंह जो है वो अपने पापा के साथ अपने पिताजी के साथ में जो है वो अपने एक फ्रेंड के घर पर जाते हैं, उनका नाम होता है मेहता साहब। तो जब मेहता जी के घर पर जाते हैं तो भगत सिंह जो है वो उनके पापा जो है वो मेहता जी से बात कर रहे थे और उनका जो बेटा है वो चुपचे से उनकी जो पिस्टल है उसको उठाकर ले जाता है और उठा के उसको जो है ना खेत की मिट्टी में दबा देता है। तो जो मेहता जी जो हैं वो बच्चे के पास आते हैं और आकर उसे पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है? तो बड़े उससे बोलता है कि मेरा नाम भगत सिंह है, ठीक है? तो भगत सिंह जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि आप कर क्या रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो बंदूक की खेती कर रहा हूँ ताकि हम लोग अंग्रेज से लड़ाई लड़ सकें। मतलब महज 5 साल की उम्र में एक ऐसा जज्बा देश के प्रति, अपने भारत देश के प्रति। आपको पता है भगत सिंह ने पत्रकारिता भी करी थी, पता है आपको? बलवंत सिंह के नाम से उनके आर्टिकल्स लिखे जाते थे, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। तो पत्रकारिता करनी है, आप भविष्यवाणी भी करने लगे, एस्ट्रोलॉजर भी बन गए हैं, तो आपको पता थी ये बात? नहीं, आपको कैसे पता कि हमें नहीं? चलिए तो फिर मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। आप क्यों क्वेश्चन पूछना? मेरा काम है, मेरा काम है, जब आपकी बारी आएगी तो आप पूछिएगा, आप अपने मंच में बुलाइएगा, मैं आऊंगा बिल्कुल, आप जो मन है वो पूछिएगा, लेकिन अभी मेरा मन चाहिए भारत न्यूज 91। मैंने कोई नहीं बोल रहा, मैंने कोई न्यूज चैनल नहीं खोल रखा है कि मैं मंच पे बुलाऊं, मेरा काम ये नहीं कि मैं मंचों पे बुला के यहां पर काम करूं। सुनिए मैं आपको बताता हूं, तो भगत सिंह जो, सुनिए उस बात को डाइवर्ट मत करिए। तो भगत सिंह जो है वो एक छोटी उम्र में उन्होंने पत्रकारिता करी, बलवंत सिंह के नाम से उनके आर्टिकल लिखे जाते थे, पत्रकारिता के चलते उनको कई अवार्ड से संबोधित भी किया गया। तो पत्रकारिता हो तो उनके जैसी हो, निष्पक्ष हो, जो देश के लिए हो, देश के लोगों के प्रति हो, ताकि देश के लोगों को लगे कि वाकई में पत्रकारिता निष्पक्ष हो रही है। और बहुत सारे पत्रकार हैं, आप जैसे लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं आपको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा जिन्होंने पत्रकारिता की सारी हदों को पार कर दिया है। ओपन न्यूज़ चैनल पर जूता निकल जाता है, ओपन लाइव डिबेट के अंदर गाली दे दी जाती है, तो इससे भारत देश की सिर्फ बदनामी होती है और कुछ नहीं होता। और आप अगर किसी के धर्म के बारे में ओपन न्यूज चैनल पर बैठकर कुछ गलत बोलेंगे तो इससे सिवाय भारत देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। मानता हूं बिल्कुल, इस देश में जो भी अभी नफरतें हो रही है उसमें मीडिया का अहम भूमिका है, गोदी मीडिया का, ये मानता हूं मैं, लेकिन गोदी मीडिया का है, हम जैसे सोशल मीडिया पत्रकारों का नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उन्हीं लोगों के लिए संदेश रहता है, तो आप इसको इतना मत लीजिए करिए, ये तो उन लोगों के लिए होता है और बुरा उनको लगता है सुनकर, उनको बुरा लगता है और वो आने वाली पीढ़ी को, जब आने वाली पीढ़ी क्या, उनके बच्चे ही कल उनसे जवाब मांगेंगे कि जब उनकी चाहे मम्मी पत्रकारिता कर रही हो चाहे पापा पत्रकारिता कर रहे हो, कल को वो अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब उनके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी आप तो पत्रकारिता किया करती, एक मिनट जब मम्मी आप तो पत्रकारिता किया करती थी लेकिन आज ये देश तो गुलाम हो गया, कभी आपने शिक्षा की बात नहीं करी, आपने महंगाई की बात नहीं करी, तो वो अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पाएंगे। आते पठान मूवी पर, आप पठान के घर में आएंगे, आप पठान के घर में आएंगे, पठान मेहमान नवाजी भी करेगा और साथ में पटाखे भी लाएगा, ये क्या टोंडे नहीं है? देखिए ये कोई टोंड नहीं है, प्रधानमंत्री खड़े होकर खुद बोलते हैं मैं तो पठान का बच्चा हूँ, तो प्रधानमंत्री किसको टोंड कर रहे हैं जरा ये बताइए? वो किसी चीज को रखे मिसाल दे रहे थे भाई, फिर भाई बात तो आप बिल्कुल डॉक्टर वीडियो चलाएंगे एक तरफ काट करके एक तरफ, मैं क्या बोलता हूँ आपको, तो मोदी जी बोलते हैं ना मैं पठान का बच्चा हूँ, नहीं वो एक बात की मिसाल दे रहे थे किसी चीज का, मिसाइल दें चाहे मिसाइल दें, पूरे देश के अंदर तो मिसाइल छोड़ ही दी है उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री तो भैया ऐसे हैं हमारे कमाल के इस देश के, पता है 75 सालों में कोई एक्टिव प्रधानमंत्री, एक्टिव प्राइम मिनिस्टर, बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उसमें भी आपको चैन नहीं है? आपको पता है अगर ये जो आज जो चाइना के सैनिक जो अरुणाचल प्रदेश पे बैठे हुए हैं, अगर यही सैनिक 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के दौर में होते ना,
इनकी औकात नहीं थी चाइना के सैनिकों की कि भारत के सामने आंखें दिखा सके। आपको पता है 1965 की लड़ाई में 1966 जब ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने कराची तक पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटा दी थी, और जब अमेरिका बीच में घुस रहा था तो रशिया ने अपने वाटर टैंकों को यहां पर उतार दिया था, समरीन जो है वो उनको पानी में उतार दिया था कि कोई भी भारत के बीच में नहीं आएगा। लाल बहादुर शास्त्री, आपको नहीं पता होगा ये देश, आज मैं आपको बताता हूँ इस देश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा डीपली जाकर। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो सुई तक बाहर से आया करती थी, जब ये देश आजाद हुआ तो अमेरिका से छड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं इस देश में आया करता था, जो वहां पर पशु नहीं खाया करते थे वो आपके और हमारे लिए आया करता था। इस देश के अंदर सब कुछ पैदा किया गया, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, किसी की औकात नहीं है प्रधानमंत्रियों की। मोदी जी ने बता दिया हूं अगर चाइना को मुंहतोड़ जवाब, सुनिए लेट मी कंप्लीट, पहले सुनिए, अगर मोदी जी ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया हो, अमेरिका को जवाब दिया था शास्त्री जी ने, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अमेरिका ने बोला कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों को आपके देश में लगाना चाहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं कि हमने एक बार गलती करी और 250 साल की गुलामी झेली, अब हम ये गुलामी नहीं झेलेंगे, तो अमेरिका कहता है कि हम आपके देश का अनाज बंद कर देंगे, शास्त्री जी कहते हैं आप अनाज बंद कर दो, लेकिन हम विदेशी कंपनियों को भारत देश में नहीं आने देंगे, तब नारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा। वो देश के प्रधानमंत्री थे जो आज भी, लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय में चले जाइए, आज भी उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी है, गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, उसका लोन नहीं चुका पाए, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां फांसी के फंदे पर झूल गए इस देश के लिए, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए आपने क्या कहा, वो बायकॉट गैंग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे पठान मूवी को, शाहरुख खान लगातार टोन पे टोन कैसे जा रहे, कभी कह रहे कि पठान पटाखे भी लाएगा, कभी वो कह रहे कि ये हवाओं का झोंका है, क्या इनके औकात है कि शाहरुख खान का कुछ बिगाड़ लें, तो ऐसी ऐसी बातें, ये क्या घमंड नहीं है, ईगो में डूबे हुए नहीं है ये शाहरुख खान भाई, सीधी सी बात है, ईगो की क्या बात है, कोई उनका क्या कर सकता है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोग बनाए भाई, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो शाहरुख खान को बनाया है, शाहरुख खान को देश ने बनाया है, बिल्कुल नहीं, विरोध प्रदर्शन करने वाले, अरे विरोध प्रदर्शन करने वाला तो संत परमहंस जैसा बाबा है, उसने शाहरुख खान को बनाया, वो तो ऐसे उठपटांग बयान दे रहा है, अभी कुछ दिन पहले बोल रहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अबे कोनू हलवा फलुआ है क्या कि एक एक चम्मच सब खा लेंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब प्रधानमंत्री को तो तुमने ऐसे समझ लिया कि रेबड़ी खाई और थूक दिखाकर, आप नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, अरे मैं क्यों भैया, मैं प्रधानमंत्री नहीं चाहते, ख्वाहिश तो होगी, ख्वाहिश तो होगी, क्यों भैया, प्रधानमंत्री पद के लिए आज एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, अभी तो नहीं, ख्वाहिश तो होगी, नहीं बनना चाहते कि नहीं, मोहित शर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, बनेंगे आप, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस देश के अंदर एक देश का एक अच्छा नागरिक बन जाऊं, देश के अंदर अमन चैन और शांति कायम कर दो, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, और देश के लोगों को यही कहूंगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश हिंदुस्तान के नाम पर लड़े। दर्शकों, मेरे साथ मोहित शर्मा बातचीत कर रहे थे पठान मूवी को लेकर, जो विवाद लगातार बिल्कुल छिड़ा हुआ है, और बॉलीवुड में अब तक की ये अब तक का रिकॉर्ड है कि इतना लंबा विवाद अब तक किसी भी मूवी का नहीं हुआ जैसे पठान मूवी का हुआ है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताएँ, और पठान मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे ये भी बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।